फ्रेंड्स, इस मैजिक को करने के लिए आपको जो चाहिए वो है एक ग्लास। तो आप किसी भी ग्लास से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको मेरा जैसा एक ग्लास चाहिए। अगर आपके पास नॉर्मल ग्लास है तो भी कर सकते हैं, ओके? और चाहिए आपको डबल साइड टेप, वो मैं किस लिए चाहिए मैं आपको बाद में बता रहा हूं। और चाहिए आपको कार्ड्स, और चाहिए आपको कॉइन, और एक चीज चाहिए जो कि क्या है मैं भी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ओके? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कार्ड डेक हमने यूज किया है ये एक सिंपल कार्ड डेक है, इसमें किसी का छेद वगैरह कुछ भी नहीं है। और इसमें है बहुत सारे कार्ड, जैसे हमने आपको ओपन करके इस तरीके से दिखाया था, तो ये सारे नॉर्मल कार्ड है। बट हमारे पास और एक चीज है जो कि है मैग्नेट। जो भी गाइस आप देख सकते हैं, छोटा सा हमारे पास एक मैग्नेट है जो आपको शायद ही देखने को मिल रहा होगा, मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा दूं, ओके? आ रहा होगा। तो ये मैग्नेट रहता कहाँ है और हमें किस लिए चाहिए डबल साइड टेप? तो हम सबसे पहले, हमारा ये जो मैग्नेट है इसका पावर थोड़ा सा ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें इस मैग्नेट को थोड़ा कार्ड के बीच में रखना पड़ता है। तो हमने क्या किया था ना, 1, 2, 3, 4 कार्ड अलग से रखा था। फिर हमने क्या किया ना, यहाँ पर छोटा सा हमने एक टुकड़ा काट कर रखा है डबल साइड टेप का। ये जो है डबल साइड टेप, हमने इस कार्ड के ऊपर कुछ बीच में इस तरीके से अच्छे तरीके से लगा दिया था, ओके? और डबल साइड टेप को अच्छे तरीके से लगाने के बाद हमारा जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हम यहाँ पर अच्छे तरीके से लगा दिए थे, ओके? देखने को मिल रहा होगा। फिर हमने अपने 4 कार्ड को इसके ऊपर रखा था, और इस तरीके से करने के बाद हमने इस कार्ड को अपने कार्ड डेक के अंदर रखा था ताकि सबको लगे सिंपल। और फिर मैंने आपको कुछ इस तरीके से दिखाया था कि देखिए मेरे पास कुछ कार्ड है, सिंपल कार्ड्स, ओके? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रिक। तो गाइस फाइनली हमारा ये जो है ट्रिक्स बिल्कुल रेडी हो चुका है, और यही होता है इस मैजिक का सबसे बड़ा राज। तो ये जो है जिस तरीके से हमने आपको दिखाया वैसे बिल्कुल आपको कंप्लीट कर लेना है। और जैसे कि हमने आपको दिखाया, इस साइड में हमने लगाया मैग्नेट, तो इसके वजह से कॉइन नीचे नहीं गिरता है, ओके? और इस साइड में क्या होता है, इस साइड में कुछ भी नहीं होता है, देने से ये गिर जाता है। तो इस तरीके से आपको रेडी करना है, आपको चाहिए कॉइन और ग्लास, यहां से हमारा मैजिक स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि ग्लास में कुछ भी नहीं है, फिर हम क्या करते हैं ना, हाथ को दिखाते हैं खाली, फिर जिस साइड में हमारा मैग्नेट नहीं है उस साइड में हम सबसे पहले कॉइन को इस तरीके से रखते हैं और इस तरीके से दिखाते हैं कि देखिए कॉइन है, ओके? और फिर इस तरीके से लेने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और कॉइन भी सिंपल है, हाथ में आ रहा है कॉइन। फिर ऐसे दिखाते दिखाते आपको इस कार्ड डेक को ऐसे घुमाना है, और घुमाने के बाद कॉइन को ऐसे अलग, मतलब हल्के से आपको रख देना है ताकि लगे कि हाँ सिंपल है। फिर क्या करते हैं ना, इस तरीके से एक्टिंग करते हैं कि कॉइन हमारे हाथ में आ गया है, ओके? बट कॉइन हमारे हाथ में नहीं आता है, कॉइन यहाँ पर चिपक जाता है मैग्नेट की वजह से। और फिर थोड़ा सा एक्टिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, ग्लास को खाली दिखाने के बाद हम इस कार्ड डेक को ऐसे यहाँ पर रख देते हैं जो कॉइन लगा हुआ है यहाँ पर, और फिर हम एक्टिंग करते हैं कि इस कॉइन को हम यहाँ से यहाँ डाल दे रहे हैं। तो जस्ट 1, 2, 3 बोलते ही आपको करना क्या है, आपको जोर से धक्का देना है, 1, 2 एंड 3,
हो गया मैजिक। तो आप दिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर कुछ तरह का छेद वगैरह कुछ भी नहीं है, बट कॉइन जो है हमारा ग्लास के अंदर आ गया। तो यार आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट पे लिखना ना भूले। और हाँ, इस वीडियो में मैं गेंद रखता हूँ 1500 लाइक का। अगर इस वीडियो में 1500 लाइक पूरा हो जाता है तो फिर मैं ऐसा एक बहुत ही गजब का ट्रिक्स लेके आऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा, और जैसे कि मैं सिखाता हूँ वैसे ही सिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को खत्म कर लेते हैं। और हाँ, जाते एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं या कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो जाओ जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पर SMS करो, मैं हर एक SMS की रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को खत्म कर लेते हैं। Como se llama